नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। यूक्रेन संकट से कई बाधाएं सामने आई, प्रधानमंत्री ने ये कहा, और विश्व में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। विश्व खाद्य चुनौती का सामना कर रहा है, पीएम ने यह भी कहा, और शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की अहम भूमिका है। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और भारत रूस के राजनीतिक संबंधों पर चर्चा की गई। और खबर दिल्ली से है, जहां यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों का मामला, भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने की मांग वाली याचिकाकर्ता के वकील राजीव दत्ता ने कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से यूक्रेन से लौटे छात्र वॉर विक्टिम्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को वॉर विक्टिम कैटेगरी में ना ले जाए और भारतीय छात्रों से समन्वय बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैकल्पिक योजना के तहत छात्रों को विदेश भेजें और भारतीय हाई कमीशन को छात्रों की मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। तो इसके लिए केंद्र सरकार को पोर्टल शुरू करना चाहिए पोर्टल, और मामले में अगली सुनवाई जो है अब वो 23 सितंबर को होगी। तो भारतीय छात्रों से समन्वय बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वैकल्पिक योजना के तहत छात्रों को विदेश भेजें और भारतीय हाई कमीशन को छात्रों की मदद करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। तो इसके लिए केंद्र सरकार को पोर्टल शुरू करना चाहिए और मामले में अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी। हजारों छात्र जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो भारत उनको लाया गया, वो भारत लौटे। करीब 20,000 छात्र, उनका भविष्य अधर में है और उनको उनके भविष्य की चिंता सता रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कुछ टिप्पणियों के साथ कुछ सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए और अगली सुनवाई जो है इस मामले की वो 23 सितंबर को होगी। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से यूक्रेन से लौटे छात्र वॉर विक्टिम्स है और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को वॉर विक्टिम कैटेगरी में ना ले जाएं, भारतीय छात्रों से समन्वय बनाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वैकल्पिक योजना के तहत छात्रों को विदेश भेजें। तो मेडिकल के एमबीबीएस के ऐसे हजारों छात्र हैं जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जिन्हें मजबूरन भारत लौटना पड़ा और अब भारत में उनके सामने कई सवाल हैं, कई चुनौतियां हैं, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि वहां से कोई रास्ता निकले। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, टिप्पणी भी की और अगली सुनवाई जो है मामले की वो 23 सितंबर को होगी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई, क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई और क्या यहाँ पे ये जो हजारों छात्र हैं इनका भविष्य भी अधर में है, क्या रास्ता? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस बात को लेकर सुनवाई हुई कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल के जो छात्र हैं उन्हें भारत में पढ़ाई जारी रखने के लिए एडमिशन देने की जो मांग है वो की गई थी। याचिकाकर्ता है जो वकील है राजीव दत्ता, उन्होंने कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से यह छात्र वार विक्टिम के श्रेणी में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की और साफ तौर पर कहा कि मामले में यूक्रेन से लौटे छात्रों को वार विक्टिम की कैटेगरी में ना ले जाएं, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको वार विक्टिम के तौर पे इन छात्रों को ना देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि ये मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको उन भारतीय छात्रों से समन्वय बनाना चाहिए जो अब वैकल्पिक योजना के तहत विदेश जाना चाहते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि हाई कमीशन को उन छात्रों को मदद करना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि केंद्र सरकार एक पोर्टल शुरू करे जिसमें कॉलेजों में उपलब्ध सीट और फीस जैसे मुद्दों का विवरण दिया जाए।
केंद्र सरकार ने इस बात को कहा है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में समायोजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और सीधे तौर पर कहा है कि चले बिल्कुल, यानी अभी चुनौतियां इनके सामने कही हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर है जहां भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने इतिहास रचा है और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हैं गौतम अडानी। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में दूसरा स्थान उन्होंने हासिल किया है और अब दुनिया में सिर्फ एलन मस्क अडानी से आगे हैं, यानी पहले पायदान पे एलन मस्क हैं और दूसरे पायदान पे गौतम अडानी ने अपनी जगह बनाई है। तो भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी जो दुनिया के अब दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं, कुछ दिन पहले वो तीसरे पायदान पे थे और अब दुनिया के वो दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा है, गुरुग्राम के मेदांता में पिता मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात की। मेदांता से निकलने के बाद आजम खान से मुलाकात की और ओखला स्थित आजम खान के आवास पर दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई। आजम खान से मिलके उनका हाल जाना, उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। कल ही गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं आजम खान। तो एक तरफ पतंजलि देश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का काम रहा है, वहीं दूसरी तरफ योग गुरु रामदेव के खिलाफ कुछ लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पे षड्यंत्र रच रहे हैं। इसे लेकर न्यूज वन इंडिया से बात करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हम षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करेंगे, और क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं। सर, पतंजलि के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, किस तरीके से आप इस षड्यंत्र को टैकल करेंगे ताकि षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो सके? देखो, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, 100 से ज्यादा लोगों की हमने लिस्ट बना रखी है, उनको नोटिस भेजें और उनके ऊपर क्रिमिनल केस करेंगे। खाली ऐसे मानहानि का ही नोटिस नहीं देंगे, क्योंकि आज पतंजलि फूड्स की मार्केट कैप नेटवर्थ 50,000 करोड़ के लगभग है। आने वाले समय में करीब 5,00,000 करोड़ के हम अलग अलग IPO लेकर के आ रहे हैं, ऐसे तो हमको जीने नहीं देंगे। तो अब जो किसी भी तरह से हमारे ऊपर गलत बयानबाजी करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, उनको पूरा कोर्ट में घसीटेंगे और उनके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों का जुर्माना भी उनसे वसूलेंगे, उनसे माफी मंगवाएंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, आपने कोरोना में काफी काम किया, कोरोनिल बनाया, लंपी वायरस से गौ माताएं काफी परेशान है, काफी की संख्या में उनकी मृत्यु हो रही है, गायों की आप लगातार सेवा करते रहे हैं, क्या गौ माता के लिए भी कुछ दवाई बना रहे हैं आप लोग? हाँ, हमने अपने गौशाला में एक भी गाय को मरने नहीं दिया, तो उसके लिए हम आयुर्वेद की गिलोय, नीम, तुलसी, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और गायों की सेहत बहुत बेहतर हो गई है उससे। तो हम जल्दी ही ये सारे निष्कर्ष और व्यवस्थित रूप से मीडिया के सामने रखेंगे, और मैं सबसे आह्वान करूंगा अपनी गायों को गिलोय पिलाइए, अश्वगंधा, तुलसी पिलाइए, नीम पिलाइए, अपने गायों जो नेचुरल तौर तरीके हैं उनसे अपने गायों की इम्यूनिटी बढ़ाइए और इस वायरस से बचाइए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी रामदेव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गायों को गिलो पिलाए और इससे अपने गायों को बचाइए। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और खबर दिल्ली से है जहां चाइनीज मोबाइल लोन एप्लीकेशन का मामला है जो कई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनियों पे शिकंजा कसा जा रहा है, और इसमें लेजर पे, पेटीएम, कैश फ्री पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बैंक और वर्चुअल खातों के रुपए फ्रीज किए गए हैं। और दिल्ली में 3 कूड़ों के पहाड़ को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी दिल्ली को कूड़े की राजधानी बनाना चाह रही है, राजधानी में पहले से ही 3 कूड़े के पहाड़ हैं, बीजेपी 16 और पहाड़ बनाने की सोच रही है। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी कि इन तीनों पहाड़ों को खत्म करें, और जैसे दुनिया के अन्य शहर हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको लाके हम दिल्ली में लागू करें, हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी, वो ना करके आज ये तीनों पहाड़ों की स्थिति ऐसी है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इन पहाड़ों की डेली हाइट बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय, और अब ये सुनने में आ रहा है कि इन 3 पहाड़ों के अलावा
ये लोग 16 और जगहों पे नए कूड़े के पहाड़ बनाने का प्लान कर रहे हैं। हमें और खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के दावों को नगर निगम ने नकारा है। नए डंपिंग जोन बनाने की कोई योजना नहीं है, निगम की तरफ से कहा गया। और पंजाब के पटियाला में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को इलाज के लिए पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक पटियाला में पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी के पास उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल शाम जब वो अपना चेकअप करवाने के लिए वहां पहुंचे तो उनके स्वास्थ्य संबंधी गंभीर प्रॉब्लम को देखते हुए उनको फौरन किसी और अस्पताल में दाखिल करवाने की सलाह दी गई, जिसके बाद सिद्धू के पिता को पटियाला के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से महाराष्ट्र के कई शहरों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। पुणे में खड़खड़ कसला डैम से मोठा नदी का पानी छोड़ा जा रहा है। पुणे में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नासिक में भी गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। और कथित पात्रा चौल घोटाले के सिलसिले में पिछले कई दिनों से जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राउत का जेल से बाहर निकलने का इंतजार और बढ़ने वाला है। इसकी वजह यह है कि ईडी ने बेल का विरोध किया है। बॉम्बे सेशंस कोर्ट में ईडी ने संजय राउत की जमानत अर्जी का साफ विरोध किया। राउत एक महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है। तो शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें जो हैं वो अभी और बढ़ सकती हैं। जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो अभी साफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। बता दें कि घोटाले के आरोप में संजय राउत 31 जुलाई से ईडी की गिरफ्त में है और ईडी की विशेष अदालत ने 5 सितंबर को संजय राउत की हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। तो ईडी ने जमानत अर्जी का अविरोध किया है और संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं। जेल से बाहर आने का रास्ता अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ईडी जमानत का विरोध कर रही है। और हमारे संवाददाता मुंबई से फरियाल सैयद हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं अभी? जी बिल्कुल, बॉम्बे सेशन कोर्ट में जो है ईडी ने जो है संजय राउत की अर्जी का जो है उसका विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे ही संजय राउत की जो जमानत की वक्त जल्दी आ जाता है वैसे ही उनका जो है ईडी जो है वो विरोध कर देती है और कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं संजय राउत को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 2 महीने से ज्यादा हो गए जो संजय राउत जेल में है, अब फिर से ईडी ने जो है वो संजय राउत के जमानत का विरोध किया है। तो अब देखना ये होगा कि ये अर्जी जो है वो कोर्ट स्वीकारता है कि फिर से जो है ईडी के फैसला कोर्ट ईडी के पक्ष में फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया फरियाल जानकारी के लिए। तो अभी संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं। और गया में विश्व प्रसिद्ध महासंगम पितृपक्ष मेले के अवसर पे देश विदेश से आए तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसे लेके वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर द्वारा हर रोज मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है और विभिन्न तीर्थयात्रियों से यहाँ पे फीडबैक भी लिया जाता है और उसी फीडबैक के आधार पे कमियों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने रुक रुक कर लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को जाना और उसी हिसाब से समाधान भी किया जा रहा है। और खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां दोला पंचायत के समदा मध्य विद्यालय परिसर समेत समदा गांव में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त मनन राम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही लोहिया स्वच्छ अभियान, जो पहले सिर्फ नगर पालिका क्षेत्र में काम किया जा रहा था जिसके जरिए अब शहर के साथ साथ गांव को भी साफ बनाने के लिए पहले चरण में किशनगंज जिले के 30 पंचायतों का चयन किया गया था और अब दूसरे चरण में जिले के 51 ग्राम पंचायतों को लोहिया स्वच्छ अभियान में शामिल कर गांव के लोगों को भी स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। खबर रोहतास से है, जहां रोहतास थाना क्षेत्र में इन दिनों पहाड़ी इलाके के रहने वाले जनजाति की लड़कियों को प्रलोभन देकर नागपुर ले जाने व धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया है। एनजीओ चाइल्डलाइन की मदद से ऐसी 8 आदिवासी लड़कियों को मुक्त कराया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए, जिसे नागपुर भेजने की कोशिश की जा रही थी।
दरवाजा के सामने कुछ चप्पल देखते हुए अंदर के दरवाजा खुला गया। एक रूम से 5 बच्ची बरामद हुई। उन बच्चियों ने बताने के बाद ऊपर उसी मकान के ऊपर रूम से 2 और बच्ची जो झारखंड में के रहने वाली थी और जो 2 जेंट्स मिले, सारे को नीचे लाए और फिर एक रूम खोलवाए तो उसमें 3 बच्ची मिले। सारे को लेकर हम लोग रोहतास थाना में पहुंचे। टोटल कितनी लड़कियां बरामद हुई थी? टोटल 9 लड़की और 2 जेंट्स था। तो बच्चियां कहां है अभी? वो बच्ची अभी CWC में प्रस्तुत किया गया था। CWC के आदेशानुसार अभी मोकामा होम में बच्ची है। और बिहार के सहरसा में नीतीश कुमार के राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों ने जेल से महिला को मोबाइल पे धमकी दी, जिसका ऑडियो वायरल हो गया। वायरल ऑडियो सुन जेल प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जेल में कैसे किसी अपराधी के पास मोबाइल पहुंचा। महिला ने धमकी मिलने के बाद DSP को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 2 साल पहले बच्चों के साथ हम मुंबई चले गए, शिफ्ट हो गए। 2 साल के बाद जब यहाँ आए तो देखे मेरा दरवाजा बाउंड्री वाल टूटा हुआ था। अंदर गए तो दरवाज़ा भी टूटा हुआ था, सारा सामान घर से गायब था, कुछ भी नहीं था। हम खुद से जुड़वा लिए दीवार को, उस समय कुछ नहीं हुआ। पर अभी हम जब 2-4 दिन पहले सहरसा गए, बरवाड़ी गए हुए थे, तो वहाँ मेरे गैर हाजिरी में फिर से दीवार तोड़ करके फिर से सामान वामान उठा लिया। सामान आवेदन देने के बाद जैसे ही हम घर पहुँचे कि हमको जेल से फ़ोन आता है, जो कि पंकज यादव का छोटा भाई सूरज यादव है। वो हमको कहने लगा कि तुमको वहाँ भी नहीं रहने देंगे, अगर दीवार दी वहाँ पर तो समझ लो क्या करेंगे। आवेदन एक महिला ने दिया है, उसे कहना है कि उसका उसके पड़ोसी से भूमि विवाद है। उस भूमि विवाद के लिए वो आवेदन लेने थाना गई थी। थाना में फिर भूमि विवाद के आवेदन को देखते हुए उसका जाँच प्रारंभ किया। और वो जब उसका कहना है कि जब वो थाना से निकली तो उसको किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया और धमकी देने के बाद उसने आवेदन में बताई है। और वो क्लेम कर रही है कि ये जो व्यक्ति है वो वर्तमान में जेल में है और वहाँ से वो धमकी दे रहा है। उसकी जांच चल रही है और उसके आवेदन को संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच चल रही है। महिला की सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है। आवेदन और सिवान में इंग्लिश पंचायत में लोग सड़क के जल जमाव से काफी आक्रोशित हैं, जिसके बाद उस सड़क से जा रहे स्थानीय सरपंच को लोगों ने सड़क पर घेर लिया और जमकर पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया ने आधा अधूरा सड़क का निर्माण छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लापरवाही इसलिए हुआ है कि मुखिया जी के पास हम लोग यहाँ पूरा ग्रामीण लोग गए थे पूर्व मुखिया के पास, और हमारे वर्तमान मुखिया भी गए थे हम लोग के साथ। पूर्व मुखिया ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द उसको नाला और प्लस रोड बनवा देंगे। हम तो उन्होंने बोला कि अभय बाबू घबराइए मत, बस 2-4-10 दिन में कुछ बालू का रेट मिल जाता है तो हम बनवा देते हैं। तो बालू के रेट के लेके मामला सारा फंसा हुआ है। योजना क्योंकि कम पैसे में हुई थी इसलिए बार बार करेंगे, बालू का रेट सही होगा तो हम करा देंगे। आप लोगों ने सरपंच को क्या घेरा था? सरपंच को हम लोग घेरा कि वो आए थे पंचायत करने के लिए, सरपंच साहब आए हुए थे तो उनको घेर लिया। हम लोग बोले कि हम लोग आपके प्रतिनिधि में हम लोग काम क्यों नहीं हो रहा है, सरपंच और मुखिया क्या कर रहा है और पूर्व मुखिया नहीं कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो एक वार्ड है, अभी तो जीते हुए प्रतिनिधि है, आपको आपका भी तो जवाब बनता है कि हम जाकर के उन प्रतिनिधियों से भेंट करें, मुलाकात करें और इस सड़क का निदान कुछ हम निकाल सके। जी मैंने हो रही है, आप लोग प्रतिनिधि हुए हैं, हम लोग आना जाना कठिन हो रहा है। बहु बेटी को मोटरसाइकिल से लेके आ रहे हैं तो गिर जा रहे हैं। आप भी कीचड़ पर जाइए, यहाँ पर घेर के हमको लोग कीचड़ पर हेलने से मजबूर कर दिए। क्या लग रहा है किसकी लापरवाही से सड़क नहीं बन पा रहा है? अजय मुखिया पहले पूर्व में मुखिया थे, उन्होंने रोड को यहीं पर ब्लॉक कर दिया, रुकवा दिया। जो गांव के ग्रामीण है उनका आक्रोश क्यों बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन? बढ़ते जा रहा है कि काम नहीं हुआ, 7 निश्चय योजना का काम था, उन्होंने काम नहीं करा इसलिए यहाँ। बिहार के सासाराम में एक कैदी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कैदी को पिछले दिनों ही शराब अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान कैदी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के काफी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। कैदी काफ़ी सीरियस कंडीशन में, बहुत ही गंभीर परिस्थिति में हमारे यहाँ आया। लगभग 7:50 पर वो लेकर के आए हैं वहाँ से। कैदी का नाम संजय कुमार है और जिस समय आया था उसकी स्थिति नाक मुंह सब जगह से फ्रॉदिंग था। अब साथ में उसको पल्स नॉन रिकॉर्डेबल था, बीपी भी नहीं मिल रहा था,
चेस्ट और सीवीएस सब कम्प्लीटली, दैट मीन्स रेस्पिरेशन उसका गैस्पिंग में था, एक झटका लिया और फिर डाइव कर गया। हम लोग प्रयास किए, सक्शन किए, रिससिटेट किए, अम्बू बैग लगाए, सारा प्रयास के बाद भी नहीं बचा सके। ये कैदी कहाँ से आया था? ये मंडलकारा से आया था कैदी। और कटिहार में एक युवक को बच्चा चोर समझ के उसकी पिटाई की गई। दरअसल जब एक स्थानीय बच्चे को धकेलकर जमीन पर गिरा दिया तो बच्चे की शिकायत पे परिजन और लोगों की भीड़ वहां पे उमड़ गई। पुलिस की गश्ती टीम भी पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।